हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि लेक्चर 5 था, उसमें हमने इस क्वेश्चन को हल किया था। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना कुछ नहीं था, जैसा कि हमने बताया था, इसको यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्म में, या बोले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्म में इसको बस ला देना था और तोड़ देना था। और ये तो होल स्क्वायर का फार्म है। इस पर मैंने बड़ा डिटेल वीडियो लेक्चर 5 में बनाया है। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर ज़रूर से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2004 और 2009 में, अगर स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, तो 2004-2009 में दो बार पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको दिखा दूं ताकि चीज़ें एकदम क्लियर रहें। ये देखिए, एक वर्ड यूज किया गया। देखिए यहाँ पर मैं हर चीज़ का मतलब बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक वर्ड यूज किया है बहुपद। ये बहुपद जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे टर्म्स हैं। देखिए, एक टर्म से ये है, एक टर्म से ये है, एक टर्म से ये है। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, यानी व्यंजक की बात करें हिंदी में, तो देखिए एक टर्म ये यूज हुआ है, एक टर्म ये यूज हुआ है, और एक टर्म ये यूज हुआ है। टर्म मतलब पद से होता है, एक पद ये, दो एक दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तो तीन टर्म मिलकर एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक बनाया है। इसीलिए इसको बहुपद नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद है, मतलब एक से ज़्यादा टर्म है, इसीलिए इसको बहुपद कहा जाता है। इसीलिए इस फंक्शन को कहेंगे, एक तरह का फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या कहेंगे? पॉलीनोमियल फंक्शन। नाम आपने सुना होगा। दूसरे पेज पर दिखाता हूँ आपको, इसी को कहते हैं हम पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल फंक्शन, यानी बहुपद। तो ये सब चीज़ आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चीज़ें छोटी छोटी, लेकिन जब वही IIT का या NEET जैसे एग्जामिनेशन देने जाएंगे, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही होंगी, तो उस समय आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए इस तरह की चीज़ों को समझना अत्यंत ज़रूरी है। तो पिछला वीडियो हमने बता दिया था कि इसका हल क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।